तो फिर आज शाम मैं वापस अपनी इस कोन भरी जगह चला आया। दरअसल बात यह है कि जब कभी मन भर जाता है तो मैं यहीं चला आता हूँ। एक तरफ रंगीन रोशनी और दूसरी तरफ शानदार लालटेन सी रोशनियों के गुलदस्ते। गर्ज यहाँ अंधेरे को रोशन करने की कोई कमी बाकी नहीं है। अक्सर यहाँ शाम के वक्त लोग आते हैं, एक चहल पहल सी रहती है। टोलियाँ, जोड़ियाँ और कुछ मेरे जैसे अकेले, कहीं पर गहरे मुजाकरात, कहीं प्यार की गुफ्तगू, कहीं कह कहे और कहीं अंदर एक तूफान। ये जहलिम का किनारा सब सुन रहा है। आजकल जरा ठंड बढ़ गई है। एक कप कॉफी लेकर जहलिम के किनारे बैठकर सुकून मिलता है। मैं काम से फारिग होकर यहाँ आने की ताक में रहता हूँ, अपने आप से मिलने की कश्मकश में रहता हूँ। इस जगह में अलग एक ठहराव है। शायद सामने बहती जहलिम शाम को जिस तरह मधुम बहती है, आसपास की तमाम चीजों पर वैसा ही असर छा जाता है और हम पर भी ऐसा ही असर रहता है। वैसे हमारा इस जगह से रिश्ता कोई नया नहीं है, एक मुद्दत से हम यहाँ आते हैं। जितने भी हमारे करीबी रहे हैं कभी ना कभी हमारे साथ यहाँ जरूर आए हैं। खैर आज फिर हम अकेले वैसे ही आए हैं जैसे यहाँ पहली दफा आए थे। मौसीकार, अदाकार, आशिक और कुछ सरफिरे यहाँ रोज मिलते हैं, पर अब हमारा मन किसी से नहीं लगता। जहलिम के किनारे बैठकर कॉफी की चुस्की और इस रोशनी से आराम मिलता है। यूं लगता है कि दिन भर की थकान दूर हो गई। इस जगह से हमारा प्यार इसलिए भी है क्योंकि ये जगह सच्ची है। टोलियों में आसपास गुजरते दोस्तों के कहकाओं को सुनकर अपनी टोलियां याद आती हैं, पर अब बस कौन उठेगा और कौन याद करेगा। अब अकेलेपन में जो सुकून है वो टोलियों में कहाँ। मैं जहलिम के किनारे का शुक्रगुजार हूँ, ये मुझे मुझसे मिलाता है। बाहर खामोश और अंदर एक तूफान लिए मैं और जहलिम शाम को बैठकर एक दूसरे को देखते रहते हैं।